नमस्कार दोस्तों, एसएसएम शारदा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, योजनाओं के सीरीज में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस अभियान का परिचय जान लेते हैं। इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के रूप में अप्रैल 2005 में हुई। 2013 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान किया गया। 2013 में ही राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान भी शुरू किया गया। चलिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य गुणवत्ता में सुधार करना, कई योजनाओं की जगह एक ही स्थान पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, बाल मृत्यु दर में कमी के साथ ही जन्म दर में भी स्थिरता लाना। इस अभियान के तहत 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिनमें मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और उत्तराखंड भी शामिल है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्यों की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवा में निवेश, स्वास्थ्य ढांचे में सुधार करना, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र सुधार और देसी स्वास्थ्य प्रणाली को पुनर्जीवित करना, इसके साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, स्वास्थ्य बीमा की सुविधा, जन भागीदारी और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना, कार्य प्रगति की रिपोर्ट जनता के सामने रखना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यों पर नजर डालते हैं। गांव में आशा की नियुक्ति करना, नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करना, आवश्यक दवाइयों का निशुल्क वितरण और एएनएम की नियुक्ति करना। चलिए अब एनयूएचएम के लक्ष्य को देखते हैं। गरीब शहरी जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, पेयजल, स्वच्छता, स्कूली शिक्षा की व्यवस्था करना, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर जागरूक करना। अब एनयूएचएम के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इसका उद्देश्य गरीबों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना, गरीबों के स्वास्थ्य में होने वाले खर्चे को कम करना। वहीं अगर इसकी विशेषताओं पर नजर डालें तो शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का विकास, स्थानीय निकाय और एनजीओ की भागीदारी बढ़ाना, इसमें केंद्र व राज्य की भागीदारी 75:25, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 और जिला स्वास्थ्य कार्य योजना तैयार करना एनयूएचएम की विशेषताओं में शामिल है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।